top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. ये प्रोटेस्ट हमारे जो कॉम्पनसेशन है जो हमें कंपनी दे रही है वो इनएडिक्वेट है, इसके लिए ये प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं कि हमें एक फेयर सेटलमेंट मिलना चाहिए कंपनी से। ये कंपनी की इच्छा है कि कंपनी हमारे कंट्री से छोड़ के जा रही है हम लोगों को बीच मझधार में, तो हम कंपनी से चाहते हैं कि हमारे क्लेम्स को सेटल करके दें। कंपनी ने हमारे साथ पिछले 3 साल से वादे किए, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी से भी मिली इनकी प्रेसिडेंट मैरी वारा, और उससे कहा हम $1 बिलियन का निवेश करेंगे और 10 मॉडल नए लाएंगे। हमारे को भी यही वादे किए जा रहे थे, और 3 साल बाद हमारे पास 20 दिन पहले अभी एक हमारे पास सर्कुलर आया, जिसमें यह था कि हम नई बीट लॉन्च कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग के लिए भेजिए, और टवेरा हम BS4 लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए ट्रेनिंग पे भेजिए। लेकिन ये सारे 15 दिन बाद ही हमारे पास नोटिस आता है, वो भी मीडिया से पता लगता है कि ये देश छोड़ के जा रहे हैं, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसका 5% भी ये हमारे को कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं या तो ये ले लीजिए या ये छोड़ दीजिए, और उसकी भी तारीख तय कर रखी है इन्होंने। ये गुंडागर्दी मल्टीनेशनल कंपनी की नहीं चलेगी। 20,000 एम्प्लॉय हमारे बेघर हो रहे हैं, इतने डीलर हैं 250, वो सारे जो है नुकसान कर रहे हैं। इस पे हमारे को आप सब मीडिया का और देश की सरकार का सपोर्ट चाहिए, और ये सपोर्ट नहीं मिला तो इतने लोगों के घर बेकार हो जाएंगे, उसका आप खुद ही आप वो लगा सकते हैं। इतने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, इतने सारे 20,000 एम्प्लॉयज हैं, उन सबको कॉम्पनसेशन देना इसको वाजिब है। जब ये अमेरिका में अगर ऑपरेशन छोड़ते हैं तो 20 साल आगे का प्रॉफिट देते हैं, जब ये यूरोप में इन्होंने छोड़ा तो वो मुआवजा जो हिंदुस्तान में बांट रहे हैं उससे कहीं 100 गुना ज्यादा था, जो इन्होंने रशिया में बांटा वो मुआवजा 20 गुना ज्यादा था। फिर हिंदुस्तान ही ऐसा क्यों? हिंदुस्तान क्या गरीब? हिंदुस्तान अभी भी सोने की चिड़िया की तरह ये लूट लूट के भाग रहे हैं, ये गलत है। इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ पे गाड़ी बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं दे रहे? यहाँ जनरल मोटर्स इंडिया हमेशा से यही डीलर्स को अश्योर करती रही थी कि हम जो है इंडियन मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए हैं, और जो है उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम फर्दर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, 10% मार्केट शेयर लाएंगे, 10 नई गाड़ियां लॉन्च करेंगे इस मार्केट के अंदर में। और एक तो 27 अप्रैल का लेटर है जो डीलर्स को दिया गया कि नई न्यू बीट लॉन्च कर रहे हैं, डीजल बीट लॉन्च हो रही है, तो ये तो एक इट्स आई वुड से दिस सडन डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ द जनरल मोटर्स इंडिया, it's clearly a breach of trust. It's a big corporate loot. It's a big corporate fraud. And how many total dealers are protesting? Around 200 dealers are there. And what about the job loss and everything? It will be more than 30,000. More than 30,000 people all over will lose their jobs. All over India. Will lose their jobs. Will lose their jobs. These are direct employment. And indirect employment will be different. मतलब यू कैन से 30,000 विल बी इन द फाइनेंस एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज या ऑल एसोसिएट, वो जो है वो तो डिफरेंट है, वो तो होगा ही होगा। ये तो डायरेक्टली जो सेल्स एंड सर्विस एक्टिविटीज से कनेक्टेड, डायरेक्ट सेल्स और सर्विस से 15,000 लोगों की नौकरियां इफेक्ट होती हैं, इनडायरेक्ट अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये तो वैसे भी हमारे अपना वादा पूरा करो, अपना वादा पूरा करो, अपना वादा पूरा करो, चावर रे 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 अपने वादे पूरे करो, अपने वादे पूरे करो, अपने वादे पूरे करो, अपने वादे पूरे करो, अपने वादे पूरे करो। 1200 बारी उनकी गई आज सुबह पहला लौट आया, तो हम सबके साथ चीटिंग हुई है, तो हम सब एक ही नाव पे हैं, एक ही उसके साथ हैं। अगर हम साथ खड़े रहेंगे तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा, और बाकियों के लिए भी रहेगा कि ऐसा कोई और कार कंपनी किसी के साथ ना करे। तो हम सब साथ हैं, तो जोश के साथ मिलते रहें, और जैसा ये लोग बोल रहे हैं।